आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्लोका नंबर 21 पे चर्चा करेंगे। वेदा विनाशनम नित्यम यायनम अजम अव्ययम् कथम सपुरुष पार्थ कम गात्यति हन्ति कम। वेदा विनाशनम नित्यम यायनम अजम अव्ययम् कथम सपुरुष पार्थ कम गात्यति हन्ति कम। वेदा विनाशनम नित्यम यायनम अजम अव्ययम् कथम सा पुरुष पार्थ कम गात्यति हन्ति कम। अनुवाद और तात्पर्य वैदेशी भक्ति वेदांत समय शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। तो आज हिंदी में पढ़ेंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति है जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा का भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश करता है, आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता के में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसके अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणालरिता सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीते नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमुस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुमयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की क्लास में, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए बोलने के लिए। स्पेशली आज प्रभु जी भी हैं सामने, तो प्रभु जी की भी ब्लेसिंग। आई सीख तो आई कैन स्पीक इन परंपरा। तो अभी 21 श्लोका को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें इससे पहले 20 श्लोका का हमने कल चर्चा किया था। तो जैसा कि अभी यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच में जो संबंध है या उसके बीच में जो डिफरेंसेज हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि तो भगवान ने जो सबसे पहला जो टीचिंग स्टार्ट किया है गीता में, वो बॉडी और सोल के ऊपर ही स्टार्ट किया है। जैसा अर्जुन जो है जब बिवल्डर हो गए थे, 2.7 उन्होंने सरेंडर किया भगवान को कि भगवान मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए कि कैसे इस समस्या से मैं दूर हो सकता हूँ, मैं तो ये निर्धारित ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं युद्ध करूँ या ना करूँ। तो जो अर्जुन जो युद्ध में एकदम निपुण थे है ना, उनका बस केवल नाम कोई अगर सुन ले तो वो भी डर जाता था, अगर उसको सामने देख ले तो क्या होगा उस व्यक्ति का। तो वो अर्जुन जो है धनुष को नीचे रख दिए थे और बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जब अर्जुन ने ऐसा बोला भगवान से, तो भगवान ने फिर गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। तो उस गीता के ज्ञान में सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम जिसको मारने वाले हो उसको तो तुम मारोगे ही नहीं, ये तो अज्ञान है, मतलब तुम्हारे पास में नॉलेज नहीं है। इसका मतलब जो तुम ये सोच रहे हो कि उनको तुम मारने वाले हो, जो आपके गुरु हैं भीष्म पितामह हैं या जो कौरव डायनेस्टी से तुम जो युद्ध करने वाले हो, जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम उसको मार दोगे, तो वो क्या है, वो अज्ञानता ही है। क्योंकि वो ये शरीर नहीं, वो तो क्या है, आत्मा है। और भगवान जो है डिफरेंट डिफरेंट श्लोका के थ्रू मतलब बता रहे हैं, वो ऐसा लग भी सकता है कि हर एक श्लोक में एक ही चीज बताई जा रही है कि आत्मा कभी विनाश नहीं हो सकता है, आत्मा तो शाश्वत है ना, उसको तो कोई काटा भी नहीं जा सकता है, गलाया भी नहीं जा सकता है, सुखाया भी नहीं जा सकता है, ऐसे करके हर एक ट्रांसलेशन में ऐसा देखा जा सकता है। पर लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति उसको बार बार बताता है ना, कोई महत्वपूर्ण चीज जो होती है उसको व्यक्ति हमेशा बार बार में करता भी है और बार बार में उसको बताया भी जाता है। जैसे कल भी हमने चर्चा किया था कि कैसे अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो एग्जाम लिखने वाला है, तो वो किस चीज को बार बार में लगाएगा, जो चीज महत्वपूर्ण होती है उसको बार बार में लगाएगा, है ना, कि इसको मैं 5 बार सॉल्व करके जाऊंगा तो मेरे को ये एग्जाम में याद आ जाएगा। अगर वो महत्वपूर्ण चीज जो इम्पोर्टेंट अगर कोई वो है फॉर्मूला या कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उसको वो केवल अगर एक बार लगा के अगर जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में उसको वो चीज याद ना आए। तो हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, अगर उसको केवल एक ही बार पढ़ लिया जाए तो कैसे काम बनेगा वो पता पड़ा कि अंतिम समय में याद ही नहीं आया, या जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें याद ही नहीं आएगा, कभी बीमार पड़ गए पता पड़ा कि बहुत ज्यादा टेक केयर उसी में लग गया है ना, भूल गए कि हम ये आत्मा है। तो ऐसा हो सकता है कि हम ये भूल जाएं कि हम ये शरीर नहीं क्या है,
आत्मा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो हैं और भगवान जो हैं अर्जुन को इतने सारे श्लोक में बताए हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा हैं। बस केवल ये इम्फेसिस करने के लिए कि ये काफी महत्वपूर्ण है ये जानना कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा हैं। क्योंकि इसका अगर साक्षात्कार नहीं हुआ हमको तो फिर आगे का जो टीचिंग्स है वो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा हैं। तो आज के जो श्लोक में प्रभुपाद जी जो हैं इसमें बता रहे हैं ट्रांसलेशन में, अच्छा हिंदी में तो रख दिया, इंग्लिश में पढ़ेंगे थोड़ा। ओ पार्थ, हाउ कैन अ पर्सन हु नोज डैट सोल इज इनडिस्ट्रक्टेबल, इटर्नल, अनबॉर्न एंड इम्यूटेबल, किन एनी वन और कॉज एनी वन टू किल? तो कैसे कोई मार सकता है? तुम ये सोच रहे हो कि तुम मार दोगे तो तुम नहीं, उनको मार ही नहीं रहे हो, तुम तो केवल क्या कर रहे हो, उनकी बॉडी को चेंज कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति है उसका पुराना ड्रेस हो गया है, तो पुराना ड्रेस हो गया है तो उसके पुराने ड्रेस को अगर आप ले बोलोगे भाई पुराना ड्रेस दे दो तो तुमको नया ड्रेस देता हूँ, तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो ऐसा करेगा, है ना, कि अरे भाई तुम पुराना ड्रेस मांग रहे हो नया दे रहे हो, इससे बड़ा सौदा क्या हो सकता है तो बोल देगा हाँ भाई लाओ नया वाला दे दो, है पुराना वाला ले जाओ, है ना। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो कहेगा अरे ठीक है हम तो ऐसे ही ठीक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन तुमको तो खुश होना चाहिए, जो बॉडी उनका बूढ़ा हो गया है किसी काम का नहीं बचा है तुम उसको चेंज कर रहे हो, एक नया बॉडी दे रहे हो, है ना। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, तो तुमको खुश होना चाहिए और युद्ध लड़ना चाहिए, ऐसे कायरता दिखा के बैठ नहीं जाना चाहिए, है ना, युद्ध करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कैसे कि अभी यहाँ पे ये देखा जा सकता है या ऐसा प्रतीत होता है यहाँ से कि भगवान जो है अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वॉयलेंस करने को बोल रहे हैं, है ना। तो गांधी जी तो नॉन वॉयलेंस पे इतना सारा, मतलब पूरा नॉन वॉयलेंस के थ्रू अपने देश को आज़ाद करा दिए, है ना। यहाँ पे भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, है ना, वॉयलेंस मतलब यहाँ पे हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जहाँ पे जिस चीज की जरूरत पड़े उसको हमको यूज करना चाहिए, अच्छे काम के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तभी हमको झूठ बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल लाइफ तो कभी कभी होता है जैसे हम यूथ में प्रचार करते हैं तो पेरेंट्स जो है विघ्न पैदा करते हैं बच्चों की स्पिरिचुअल लाइफ में, तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसडेंटल लाइफ उनको बोलना पड़ता है घर पे कि अभी जो है मेरे एग्जाम चल रहे हैं या कॉलेज की तरफ से कहीं पे हम जा रहे हैं, पर लेकिन होता ही है कि भक्त लोग उसको साथ कैंप कराने के लिए लेके जाते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रांसजेंडेंटल लाई है, तो इट इज गुड, है ना, फॉर गुड कॉज इफ यू आर टेलिंग लाई देन नो प्रॉब्लम यू कैन स्पीक। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अर्जुन जो है मतलब जो वॉयलेंस कर रहे हैं तो वो किसके लिए किया जा रहा है, वॉयलेंस धर्म के लिए किया जा रहा है। और दूसरा चीज कि ये किसने बोला है, ये भगवान ने बोला है कि तुम युद्ध करो, तो भगवान ने फिर जो बोल दिया उसमें क्या दिमाग दौड़ाना, अपना दिमाग कहाँ तक है, कहाँ छोटा सा दिमाग है, कहाँ कुछ कहाँ तक सोच पाएंगे अपन अपने दिमाग के थ्रू, है ना। मान लीजिए आप देखिए, अगर थोड़ा कैलकुलेशन भी किया जाए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, उसके बाद में फिर कोई ये वर्ल्ड आया पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में फिर क्या आएगा, इंडिया आएगा, है ना, इंडिया के बाद में फिर ये स्टेट यूपी, यूपी के अंदर गोरखपुर, और गोरखपुर में हमको इतनी बहुत सारी जगह जो पता ही नहीं होगा जिनके बारे में ज्ञान होगा ही नहीं, है ना। तो मतलब ये टाइनी ब्रेन है तो कितना सारा नॉलेज होगा इसके पास में, है ना, पर लेकिन भगवान के पास में तो सब कुछ है। तो भगवान ने अगर बोल दिया किसी चीज को तो फिर क्यों दिमाग दौड़ा रहे अपने, इतना टाइनी ब्रेन से क्या सोचा जा सकता है। तो अगर भगवान ने किसी चीज का बोल दिया तो वो सही है गलत है उसके बारे में तो सोचना ही क्या, बस उसके ऊपर हमको एक्ट करना चाहिए, वही धर्म बन गया हमारा। तो अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अभी तुम युद्ध करो, तो वो अभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये वॉयलेंस है, पर लेकिन वो वॉयलेंस नहीं है एक तरीके से। तो जैसे शास्त्रों में देखा जा सकता है कि हनुमान जी भी अपने एंगर को यूज किए, तो एंगर तो एक बुरी चीज है ना, गुस्सा करना अच्छा चीज थोड़ी नहीं है, शास्त्रों में तो बोला जाता है ना भाई कि अरे गुस्से के ऊपर तो हम हमारा कंट्रोल होना चाहिए, है ना, वो कौन सा श्लोक है मुझे, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र, तो ऐसे करके उसमें बताया जाता है कि भाई इसके ऊपर तो हमको क्या करना है, ओवरकम करना है इन अनर्थों के ऊपर, तो है ना एंगर के ऊपर, एंगर जब आ जाएगा तो बुद्धि का नाश हो जाता है जब एंगर आता है इंसान क्या क्या भूलने लगे जाता है वो तो उसको ही पता है ना। बाद में उसका जैसे सच प्रभु जी बता रहे थे कि उसका अगर आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए वो जो बोल रहा है, वो बाद में उसको सुनाइए
तो कहेगा ये मैं बोल रहा था पक्का ऐसे करेगा, उसको विश्वास भी नहीं होगा कि वो ये सारी चीजें बोल रहा है। तो जब इंसान को एंगर आता है तो उसके बाद में जब वो बोलता है तो वो क्या है कि अनाप शनाप ही बकता है। तो मतलब क्या हो जाता है, उसके बुद्धि का विनाश हो जाता है उसमें, तो समझ में मतलब क्या सही है क्या गलत है पता ही नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन हनुमान जी तो क्या है कि इतना गुस्सा है ना, एंगर को किसमें, भगवान राम की सेवा में यूटिलाइज किए थे, है ना, कि कैसे उन्होंने लंका में गए और लंका में पूरा उनकी पूंछ में आग लगाया गया। तो देखिए हनुमान जी भी यूज कर लिए ना यहाँ पे, जो हनुमान जी हैं उनकी पूंछ में आग लगा दिया गया, तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि पनिशमेंट मिल रहा है उनको, उन्होंने उसको भी सेवा में लगा दिया है। रावण तू लगा मेरी पूंछ में आग, मैं इसको भी भगवान की सेवा में यूज करता हूँ, देख क्या करता हूँ तेरा तो उसको भी जो है हनुमान जी जो है पूछ में आग लग गया, नो टेंशन, है ना, भक्त जो है नो टेंशन कोई सी भी सिचुएशन में आप डाल दीजिए वो भगवान की सेवा में यूज कर ही देगा, है ना। तो क्या किया, वो पूछ में आग लगाया, उसके बाद तो हमको पता ही है कि कैसे जब हनुमान जी की पूछ में जब आग लग जाता है तो कैसे पूरी लंका को जला देते हैं। लो भाई हो गया काम, तो एंगर को तो यूज किया ही किया, और साथ में जो पूछ में आग लगाई उसको भी भगवान की सेवा में यूज कर लिया। और भी हम देखते हैं कि कैसे एक बार प्रभुपाद जी सब जब कलकत्ता में थे, कलकत्ता में या किसी दूसरी जगह, वहां पे शायद उनको एक बंगला दिया जा रहा था, मतलब वो एक हॉन्टेड बंगला था। तो हॉन्टेड बंगला था तो कोई उसमें जाता नहीं था, तो वो कह रहे थे भाई किसी को जाना है तो वो वहाँ पे स्टे कर सकता है ना, उसमें कौन जाएगा जब भूत का बंगला है। तो ऐसे ही मतलब कोई पैसा भी अगर कोई फ्री में भी देगा तब भी नहीं जाएगा कोई इंसान। प्रभुपाद जी कह रहे हम जाएंगे भाई उसमें है ना, तो जो हॉन्टेड बंगला था उसमें भूत वगैरह का वो पूरा बंगला था, प्रभुपाद जी गए अपना वहाँ पे पूरा जो काम है वो चालू कर दिए, है ना, जो भी लिटरेचर्स का लिखना है वो चालू कर दिए, या जो भी शास्त्रों को पढ़ना है वो पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी वहाँ पे। और ऐसा हुआ भी, रात में जो है उनके पास में भूत आता भी है ना। तो देखो दो चीज कर दिया, बंगला का भी यूज कर लिया और एक उधर जीवात्मा का भी शुद्धिकरण कर दिया, उधर जो भूत जो तो जो भूत बहुत परेशान था तो वो आया, प्रभुपाद जी को डरा रहा था, तो प्रभुपाद जी उससे बोले भाई है ना कि तुम जो है अभी इतना कष्ट में हो है ना, तो उससे अगर तुमको छुटकारा ना पाना है तो आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो भाई, है ना। तो प्रभुपाद जी खैर इतना प्योर वाणी था प्रभुपाद जी ने, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोला और उसका उद्धार हो गया। तो प्रभुपाद जी जो थे कोई भी चीज जब आती थी उनके पास में तो सबको यूज कर लिया करते थे, है ना, ऐसा नहीं कि इसको यूज नहीं किया जा सकता है कृष्ण की सेवा में, हरेक को यूज किया करते थे। अरे प्रभुपाद कुछ तो मंदिर हैं, आई थिंक शमशान घाट पे ही, शमशान घाट की जगह पे कुछ मंदिर अपने इस्कॉन के मंदिर हैं तो शमशान घाट के ही जगह पे ही बना दिए गए, है ना। तो जनरली लोग कहेंगे अरे मंदिर मंदिर ऐसी जगह पे कैसे बन सकता है ना, प्रभुपाद जी ने यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, है ना, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस, तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। तो भक्त जो है वो उसको ऐसा आना चाहिए कि कैसे चीजों को यूज किया जाए। तो अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन ऐसे डरो मत, है ना, अभी जो है धर्म के लिए युद्ध किया जा रहा है, ठीक है, तो अभी तुमको क्या करना है, युद्ध करना है। तो ऐसे करके हमको सीखना चाहिए कि कैसे चीजों को यूटिलाइज किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे भक्त जैसे आते हैं इस्कॉन मंदिर को ज्वाइन करते हैं तो कुछ चीजों को ना कर पाते हों, पर लेकिन देखना चाहिए कि वो भक्त क्या चीज अच्छा कर सकता है, जिस चीज में वो अच्छा हो उसमें उसको एंगेज किया जा सकता है ना। उसको बोला जाए कि तुम जो है इतना सोते हो, या तुम इतना टाइम बर्बाद करते हो, या और कोई अनर्थ है उसका, बैड हैबिट्स हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि बस उसको बोले हरे कृष्णा, है ना, अभी इस्कॉन में हमारे ऐसे ऐसे नियम हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिट नहीं होते हो, आप बाहर जाइए तो ऐसे करके नहीं। तो हमने भी देखा है कि कैसे एक बार तो आई थिंक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, मतलब चौपाटी में शायद एक भक्त थे, तो उनका एक हैबिट था कि स्मोकिंग करना, स्मोकिंग किया करते थे वो। तो मंगल आरती आई थिंक वो अटेंड किया करते थे, और मंगल आरती फिर उसके बाद नरसिंह आरती अटेंड किया करते थे, उसके बाद में फिर वो जाया करते थे नीचे नीचे जाया करते थे, फिर एक फूंका कर उसके बाद में एक सिगरेट निकाला और फूंका एक या दो तीन जो भी क्योंकि इतना रेस्ट्रिक्शन अगर दिया किया जा रहा है तो एक ही साथ उसको निपटा दिया करते थे वो भरपाई एक ही बार में तो दो तीन अगर फूंक दिया, उसके बाद में जब काम हो गया ऊपर आ गए तो जब तक क्या चालू हो जाता है,
जप चालू हो जाता है। तो जप में आके पूरा पार्टिसिपेट किया करते थे ऐसे करके। तो एक भक्त नोटिस किया, अरे अरे कहाँ जाता है ये, तुलसी आरती में कहाँ जाता है ये कौन सी दूसरी तुलसी आरती करने जाता है। तो देखा पीछे गया, देखा अरे तो सिगरेट फूंक रहा है। तो आके महाराज को बताया, अरे महाराज मतलब ऐसे ऐसे ये क्या कर रहा है, ये तो भक्तों के साथ में कलंक है ना, क्या कर रहा है, इतना घोर अपराध किए जा रहा है ये तो। लेकिन महाराज का क्या था, ये कंपनसेट नेचर था वहां पे, है ना, दया था महाराज के हृदय में, तो उन्होंने उनको नेगलेक्ट नहीं किया। तो वैष्णव का जो हृदय वो बहुत बड़ा होता है, वो किसी भी भक्त को नेगलेक्ट नहीं करता, उसको पता है किस भक्त को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। हाँ ऑफ कोर्स अगर उनको वहां पे रखते तो ऐसा हो सकता कि कल्चर बेकार हो जाए, तो इसलिए एक ऐसी जगह पे भेजा गया उनको वहां पे। गुरु जी वो कौन सा जगह, भक्ति रसा में तो महाराज जहाँ पे प्रीच करते हैं, बेलगांव, तो बेलगांव में उनको शिफ्ट कर दिया गया है ना, कि वहां पे अभी नया नया सेंटर है तो वहां पे चल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उनको निकाल दिया गया, तो उनको भी भक्ति करने का अवसर दिया गया। अरे प्रभुपाद जी के पास में तो एक आया, एक भक्त था, मतलब ले लिया था कृष्णा कॉन्शियसनेस को, रात में नींद नहीं आती थी उसको। कहता प्रभुपाद जी मैं रात में सो ही नहीं पाता, तो मैं सुबह कैसे आऊँ मॉर्निंग प्रोग्राम में, बड़ा प्रॉब्लम हो गया वो तो। अब भाई मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम तो सबके लिए ही होता है वो तो, है ना, कि मतलब उससे उसको कोई ऐसा थोड़ी नहीं कोई ऐसा अलाउ कर देगा, ठीक है तुम्हारे लिए चलेगा, है ना, तो करते रहो। प्रभुपाद जी ने क्या किया, अरे मैं रात में अपनी बुक्स को ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है, तो तुम क्या करिए, कुत्ते जो है ना मेरे को बहुत परेशान करते हैं, भौंकते रहते हैं ये पूरी रात भर, है ना, बहुत पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ना, ट्रांसलेशन अच्छे से करने नहीं देते, तो तुम क्या करो ना, तुमको रात में नींद नहीं आती है तो तुम इनका आओ यहाँ पे पहरा दो, है ना, ये कुत्ते जो है भौंकने नहीं चाहिए यहाँ पे, आने नहीं चाहिए। तो ये देखो, है ना, जिस व्यक्ति को नींद ही नहीं आ रही है रात में, उसको भी प्रभुपाद जी ने कृष्ण की सेवा में यूज कर लिया उसको। तो ये प्रभुपाद जी और जो ग्रेट जो वैष्णव होते हैं उनको ये आता है कि कैसे किसी को भगवान की सेवा में कैसे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे हैं कि आप इसको यूज करिए वॉयलेंस को, अभी यहाँ पे ये जरूरी है। और ये प्रभुपाद जी ने पहला मतलब यूटिलिटी के बारे में बताया, उसके बाद में प्रभुपाद जी इसी परपोट में लास्ट में जाके जैसे कि हम पढ़े थे कि बता रहे थे कि अगर कोई जो है अगर पाप कर देता है तो पाप करने के बाद में उसको पनिशमेंट देना जरूरी है, क्योंकि वो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, जबकि उसको आगे के जो भी उसके पास में डिफिकल्टीज या ऐसा मान लीजिए जो पनिशमेंट उसको आगे जो मिलने वाला है उससे बचाया जा रहा है उसको। अभी तो हम छोटा सा एक पनिशमेंट दे रहे हैं उसको, लेकिन बाद में जाके अगर उसको पनिशमेंट नहीं दिया गया तो उसका जो रिएक्शन होगा, जो उसको भोगना पड़ेगा, वो बहुत भयंकर होगा, है ना। जैसे कोई अगर किसी को मार देता है तो पनिशमेंट ये है कि अब उसको भी मारा जाएगा, तो ऐसा लग सकता है ये तो बहुत क्रूअल है, तो लेकिन क्या है कि उसके भले के लिए है, वो उसने जो पाप किया है तो उसका अटोनमेंट किया है कि उसको ही अब फांसी का सजा दिया जाएगा, उसको मारा जाएगा, तब जाके उसको जो है नेक्स्ट लाइफ में मतलब इस पाप से वो बच सकता है, क्योंकि तो मारने का एक पाप लग गया उसके ऊपर, है ना। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर वो जैसे वो मारा, अगर इसको छोड़ दिया गया तो एक तो दूसरे भी प्रेरित हो जाएंगे उससे मारने के लिए, अरे है ना, हम इसका मतलब किसी को भी मार सकते हैं, है ना, अगर मारते हैं तो छोड़ दिया जाता है इसका मतलब, है ना। तो इससे क्या है कि दूसरों को भी फ्रीडम मिल जाएगा, और दूसरा ये व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है कि उससे भी ज्यादा अधर्म करे। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर मार दिया है, कोई सिन करता है, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। और जैसा कि आजकल देखा जाता है कि अभी जो है गवर्नमेंट जो है इतना सीवियर पनिशमेंट नहीं देते हैं, जो क्रिमिनल एक्ट ज्यादा करते हैं, बहुत सीवियर करते हैं, तो इसलिए इतने क्रिमिनल एक्ट बढ़ गए हैं, है ना, बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्ट अभी बढ़ने का कारण क्या है कि उनको एक प्रॉपर पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। तो अगर ये पहले जो हुआ करता था तो लोगों के अंदर इतना चेष्टा नहीं हुआ करता था कि वो जाके किसी को भी मार दें, कोई भी भयंकर पाप कर दें, तो पहले उसका एक प्रॉपर पनिशमेंट मिला करता था। तो रूपा जी बता रहे हैं कि उसको जो आगे जो वो दुख भोगने वाला है, उसका जो उसको रिएक्शन मिलने वाला है अपनी सिंपल एक्टिविटी का, तो उससे उसको बचाया जा रहा है, तो इसलिए वो जरूरी है। रूपा जी एक उदाहरण के थ्रू बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे एक जो डॉक्टर होता है, तो वो जो डॉक्टर है कोई ऑपरेशन करने अगर वो जा रहा है, तो ऑपरेशन करने जा रहा है तो ऐसा लग सकता है चीड़ा फाड़ी कर रहा है बॉडी का, है ना। तो ऐसा लग सकता है अरे बाप रे बाप, है ना, एक सही बॉडी है उसमें कुछ डिजीज है, तो लगेगा ऐसा कि चीड़ा फाड़ी कर रहा है बॉडी का, है ना, तो क्रिमिनल एक्ट लगेगा, पर लेकिन क्या कर रहा है वो मतलब उसको क्योर करना चाह रहा है वो, है ना। तो ऐसे ही अगर किसी को पनिशमेंट दिया गया तो पनिशमेंट ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो उसको मृत्युदंड दे दिया गया है ना,
लेकिन वो मृत्युदंड क्या कर रहा है, उसको आगे के जो कष्ट है उससे उसको मतलब बचाने का कोशिश किया जा रहा है वहां पे। तो ये हमको समझना चाहिए जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये श्लोक में बताया है, तो आगे वाले श्लोक पे भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे आज। आगे वाला जो श्लोक है, बसांसि जीर्णानि यथा व्याः नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि याः जीर्णानि अन्यानि संयाते नवानि देहि। तो प्रभा जी अनुवाद में लिख रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो ये उदाहरण जैसे कि हम पहले ही कोट किए थे कि अगर कोई जो व्यक्ति है कि कैसे अपने पुराने वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही ये जो शरीर है, वो ये जो आत्मा है, इसके ऊपर जो हमने शरीर का ये कवरिंग ले रखा है, बॉडी ले रखा है, अभी क्या करेगा ये जो आत्मा है, मतलब जब मृत्यु का समय आएगा तो ये बॉडी गिव अप करके हम दूसरा बॉडी ले लेंगे। अब प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में यहाँ पे बता रहे हैं, साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट होते हैं ना, विश्वास नहीं करते ना आत्मा के ऊपर, है ना। तो प्रभुपाद जी तो काफी अच्छा उदाहरण ले रहे हैं वहाँ पे कि ये साइंटिस्ट तो इतना भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हृदय के अंदर जो एनर्जी आ रही है ना, वो उसका सोर्स क्या है ना। अगर उनसे पूछा जाए तो वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और इवन मतलब इवन साइंटिस्ट भी कुछ ऐसी, मतलब साइंटिस्ट लोग कुछ ऐसे साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जो कि ये विश्वास नहीं करते हैं कि हम ये शरीर शरीर नहीं, क्या है हम, ये आत्मा है। कुछ साइंटिस्ट तो मानते भी हैं, है ना, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में बताते भी हैं, है ना। जब हम प्रचार करते हैं यूथों को तो बताते हैं उनको कि ये कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि आत्मा के बारे में बोले हुए हैं। पर लेकिन कुछ साइंटिस्ट के जो लट्टू है वो जगता नहीं है ना, जलता नहीं है ना जल्दी। उनको जब तक कुछ डोज ना मिल जाए, जब उनकी मृत्यु होगी, जब उनको पता पड़ेगा ना कि हमारा भी एक दिन आएगा, है ना, जब तक उनके साथ वो ट्रीटमेंट होता है वो उनको समझ में नहीं आता है ना। तो ऐसे क्या कुछ जो नहीं मानते हैं, तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हृदय के अंदर जो एनर्जी, हृदय से जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, या और भी बहुत सारी चीजें अगर उनसे पूछा जाए कि कैसे एक व्यक्ति अगर किसी ने अपने बॉडी को लीव किया है मतलब इस जन्म में, और अब उसका दूसरा जन्म होता है, तो उसको कैसे अपने पिछले जन्म की चीजें याद आ जाती हैं। अगर किसी साइंटिस्ट से पूछा जाए भी उसको कैसे याद आ गया, वो 4 साल का बच्चा है ना। अभी आपके हिसाब से क्या है कि वो सारी चीजें जो हैं मतलब वो तो सिखाई जाएंगी ना, ABCD भी उसको सिखाई जाएगी, है ना, 1 2 3 4 5 6 ये भी सब सिखाया जाएगा, टेबल्स भी उसको सिखाई जाएंगी, मतलब पूरा बेसिक जो ज्ञान है भौतिक संसार का वो सब दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही जाके उसको पायलट वगैरह कैसे उड़ाते हैं वो सब सिखा दिया जाएगा, ये सब सिखाया जाएगा उसको शुरुआत में नहीं सिखाया जाएगा। शुरुआत में तो बहुत बेसिक ज्ञान दिया जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 15 की उम्र पे पहुंचेगा, 20 की उम्र पे, 25 की उम्र पे, तब उसको एक एडवांस नॉलेज दी जाएगी। पर लेकिन हम तो देखते हैं कि कैसे एक जो बच्चा जेम्स शायद उसका नाम था, है ना, तो उसको तो सारी चीजें याद थी, है ना, कि पिछले जन्म में वो एक पायलट था, है ना, वो ड्रॉइंग वगैरह भी बनाया करता था, है ना, मतलब जो भी जहाज वगैरह होते थे उनकी ड्रॉइंग बनाया करता था, और गेम वगैरह भी वो खेला करता था, ये सारी गेम है, मतलब किसी को मारना, ये करना, रॉकेट को उड़ाना, ये सारी चीजें उसका इंटरेस्ट था पूरा। कितनी उम्र पे, जब वो 4 या 5 साल का बच्चा था, उस समय तक उसको कुछ भी नहीं सिखाया गया था, कुछ भी, है ना। तो पर लेकिन उसको ये सारी चीजें फिर भी पता है ना। इवन जब उसको उस पायलट उसके पास में एरोप्लेन के पास में ले जाया गया, तो उसको ये पता था कि कौन सी चीज कहाँ पे है, और सारे उसको रूल्स भी पता था, है ना, जो मिलिट्री में जो भी रूल्स होते हैं, आर्मी में जो भी रूल्स वगैरह हुआ करते होंगे वो भी पता था उसको। अब इसको ABCD भी नहीं पढ़ाएगी, इसको रूल्स पता, बताइए है ना। अब किसी से पूछो, किसी साइंटिस्ट को बुलाया जाए कि भाई बताओ यार ये जो है बच्चा कैसे बता पा रहा है, अभी तो तुमने कुछ पढ़ाया ही नहीं इसको, तो क्या आंसर उनके पास में इसका। पर लेकिन शास्त्रों में इसका आंसर है, शास्त्रों में इसका आंसर है कि क्या शास्त्र बताते हैं कि ये हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। तो आत्मा जो है एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में गया है, तो भगवान की कृपा से या भगवान के कुछ ऐसे, मतलब भगवान को तो सभी याद रहता है, पर लेकिन अभी हम क्या है कि बद्ध जीव है, तो हम पूरा पुराने जन्म का भूल जाते हैं, पर कुछ स्पेशल केसेज में उनको याद आ जाता है कि पिछले जन्म में उनके साथ में क्या हुआ।
तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या हैं, आत्मा है। तो साइंटिस्ट कुछ भी बोलते रहे, है ना, हमको उनको अथॉरिटी थोड़ी नहीं मनाना है ना। साइंटिस्ट को अथॉरिटी कौन बनाएगा, है ना। रोटी कपड़ा मकान के पीछे जो पीछे पड़ा हुआ है ना, वो बनाएगा ना। उसको ऐसा लग रहा है केवल इसी से ही मेरे को जीवन को गुजारना है, तो वो क्या करेगा, साइंटिस्ट के पीछे दौड़ेगा, है ना। कहेगा कि भाई ये नौकरी वगैरह अगर उनको फॉलो करेंगे, उनके स्टेटमेंट को मानेंगे, है ना, किसी कंपनी में काम करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, है, हमको वेल्थ मिलेगा, कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, तो इनको मानना चाहिए, है ना। तो जिनको इंद्र तृप्ति करना है वो भगेंगे, उनके पीछे भगेंगे, है ना। तो लेकिन जिनको ये पता है कि लाइफ का क्या गोल है, तो वो उनके पीछे नहीं जाना चाहेंगे, है ना। साइंटिस्ट को अथॉरिटी नहीं मानना है। अथॉरिटी किसको माना जाता है, वेदों को माना जाता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं दूसरे बार जो नेक्स्ट वाला जो श्लोका है, कि कैसे जो साइंटिस्ट हैं उनको हमको अथॉरिटी नहीं मानना चाहिए, और साइंटिस्ट हैं जो कि ये बता नहीं सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है, हम ये शरीर नहीं, क्या है, हम ये आत्मा है। दूसरा ज्ञान प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, कि कैसे हमारे अंदर जो है सोल तो है ही है, और साथ साथ में कौन है, सुपर सोल भी है ना, परमात्मा बैठे हुए हैं अंदर। क्योंकि ये जो जीवात्मा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के आया, और किस लालसा के साथ में आया, किस अपेक्षा के साथ में आया वो यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, भोग भोगूंगा, इस लालसा के साथ में यहाँ पे वो आया, है ना। पर लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, तो क्या किए, परमात्मा के रूप में थोड़ा आते हैं साथ में, है ना। तो देखते हैं कि ये थोड़ा भोग कर पाएगा या नहीं भी कर पाएगा, है ना। देख रहे होते हैं, केवल विटनेसिंग वाला जो काम है वो कर रहे होते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे सुंदर उदाहरण लेते हैं कि कैसे, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर दो बर्ड हैं, उनमें से एक बर्ड जो है वो क्या करती है, फ्रूट्स को चखती है ना, ये देखती है कि इसका टेस्ट कैसा है ना ये चेक करती रहती है, हर एक पेड़ पे जाएगी, फिर दूसरे पेड़ पे जाएगी, ऐसे करके चेक करती रहती है। पर लेकिन जो दूसरी बर्ड है वो क्या करती है, वो केवल और केवल उसको देख रही होती है ना, कि क्या कर रही है ये तो ये जो बर्ड है कभी आम के पेड़ पे बैठेगी, है ना, कभी लेमन के पेड़ पे बैठेगी, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पे जाती है। तो कभी उसको मीठा स्वाद, कभी उसको खट्टा स्वाद, कभी तीखा, ऐसे करके उसको डिफरेंट डिफरेंट रियलाइजेशन आते हैं भाई, है ना, इस वाली बर्ड को। लेकिन कौन देख रहा होता है, जो दूसरी बर्ड है वो देख रही होती है कि ये जीवात्मा जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ऐसे करके जा रही है ना, ये पक्षी जा रहा है, पर लेकिन ऐसे घूम रहा है ना, और ऐसे ही क्या करता रहेगा, वो घूमता रहेगा। तो आउट ऑफ कंपैशन ये जो दूसरी बर्ड है उसका फॉलो करती है, बस किस इंतजार में रहती है, किस इंतजार में रहती है कि ये जो पक्षी है मेरी तरफ मुड़ के कब देखेगा, क्योंकि जिस दिन इसने मेरी तरफ मुड़ के देखा उसी दिन इसके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जो समस्या उसको मिल रही है ना, हर एक पेड़ पे जा जाके जा जाके, हम भी जाते हैं ना, हर एक पेड़ पे जाते हैं, कभी किसी एक इस वाले मॉल में चले गए मान लीजिए, है ना, कभी पेरेंट्स का सहारा ले लीजिए कि भाई पेरेंट्स ही पूरा शेल्टर हमको दे देंगे, है ना, फिर बाद में पता पड़ता कि वो भी चले गए, है ना, अभी तो कोई सहारा नहीं दे पाएगा। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे हमारा सहारा दे देंगे, पर लेकिन कभी कभी बच्चे जो हैं अगर उनको जो है अच्छा कैरेक्टर अगर नहीं दिया पेरेंट्स ने, तो क्या करेंगे, वही ठुकरा देते हैं बाद में, है ना। फिर दूसरा एक और पेड़ खोजते हैं, चलो स्पोर्ट में चले जाते हैं, है ना, वहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, बाद में पता पड़ता है कि अरे भाई 40 का जब उम्र हो जाएगा, है ना, जब बॉडी डिविंडल करने लग जाएगी, तो वो भी नहीं खेला जा सकता है ना, वो भी छोड़ दिया हमको अभी तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट शेल्टर जीवात्मा क्या करती है, ढूंढती रहती है कि यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, है ना, सुख मिल जाएगा। पर लेकिन एक समय के बाद ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमको छोड़ने लगती हैं। फिर अभी तो मोबाइल आ गया है व्यक्ति जो है सोचते हैं कि ये मोबाइल जो है हमको खुशी दे देगा, पर लेकिन उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर सोचता है कि कुछ ऐसी कोई ऐप है क्या जो इस मोबाइल में ये लगा दे कि मैं व्हाट्सएप केवल दिन के समय यूज करूँ, रात में यूज ना करूँ, या यूट्यूब केवल में दिन में यूज करूँ, रात में ना करूँ, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, पागल कर दिया है मेरे को, है ना, मैं छोड़ना चाहता हूँ पर लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं चाहता हूँ इसको छोड़ना पर लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब व्यक्ति इतना पागल हो जाता है इसके पीछे का, उसको छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहा है ना। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट पेड़, मतलब उसको पेड़ मिल रहे हैं ना, हर एक में वो टेस्ट कर रहा है, पर लेकिन पीछे भगवान बैठे हुए देख रहे हैं कि ये जीवात्मा कब ये सारी चीजों को छोड़ देगा, मेरी तरफ मुड़ेगा, जिस दिन ये मेरी तरफ मुड़ जाएगा सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जो सुपर सोल हमारे साथ में आई है, तो वो वेट कर रहे हैं कि कब ये जीवात्मा मेरी तरफ मुड़ेगा, क्योंकि भगवान को पता है
ये जीवात्मा ये जो जो सोची है कि मैं भगवान से दूर होके सुख पालूंगा, तो वो क्या है, वो उसकी एक अज्ञानता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम देख रहे थे कि भगवान जो है, मतलब भगवान जो है सारे, मतलब हर एक जीवात्मा भगवान को सर्व कर रही है, हमको भगवान को ही सर्व करना है तभी हम एंजॉय कर सकते हैं, पर लेकिन जीवात्मा को ये पसंद नहीं आया, तो जो बद्ध जीवात्माएं फिर वो यहाँ पे आती हैं भौतिक संसार में और सोचती हैं कि हम यहाँ पे एंजॉय कर लेंगे, पर लेकिन वैष्णो सॉन्ग में क्या बोला गया है, बड़ो दुख पाया छे स्वतंत्र जीवन। अगर कोई जीवात्मा ये सोच रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट होके इस संसार में क्या कर लूंगा, भोग भोग लूंगा, तो क्या बोले हैं, बड़ो दुख पाया छे, है ना, उसको तो क्या है, बहुत ही बड़े बड़े दुख उसको मिलने वाले हैं इस संसार में। जीवात्मा भगवान से विमुख होके कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता है। कब वो उसको एंजॉयमेंट मिल सकता है, केवल और केवल जब वो भगवान को क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा। अगर उसने भगवान को सरेंडर नहीं किया तो क्या मिलेगा उसको, हमेशा ही दुख मिलने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है गीता में भी देखा जा रहा है कि कैसे अर्जुन जो है उनके पास में इतना सारा कन्फ्यूजन आ गया। कब आ गया था ये कन्फ्यूजन, जब वो अपने लेवल पे चीजों को डिस्कस कर वो सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे कि मैं इस चीज को सॉल्व कर लूंगा, है ना, अपने बलबूते पर, लेकिन जब बाद में क्या हुआ, उनको कन्फ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, तब जाके उन्होंने क्या किया, भगवान को सरेंडर कर दिया, और जैसे ही सरेंडर किया तो फिर क्या हुआ, वो जो भी उनके पास में इतनी सारी प्रॉब्लम समस्याएं जो आ रही थी उससे क्या हो गए, वो दूर हो गए, क्योंकि जैसे ही भगवान गीता का ज्ञान अर्जुन को देंगे तो वही अर्जुन फिर रेडी हो जाते हैं फाइट करने को, और वो युद्ध करते हैं, उस परेशानी से दूर आ जाते हैं। तो जो भी है, अगर हम जो है अगर इस भौतिक संसार में सुख रहना चाहते हैं तो भगवान को हमको सरेंडर करना ही पड़ेगा। इवन प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में गए, है ना, वेस्ट में जब गए, तो वहां पे तो किस चीज की कमी है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उनके पास में ना हो, है ना, कार है, बंगला है, इतने ऐसो आराम सारी चीजें हैं, पर लेकिन फिर भी क्या थे, वो लोग सब फ्रस्ट्रेटेड थे, है ना, नशा कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि नशा से हमको शांति मिल जाएगी, पर लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तब जाके प्रभुपाद जी जो थे, जो हिप्पीज कल्चर था उसमें जो हिप्पीज थे उनको क्या बना दिए, हैप्पी बना दिए प्रभुपाद जी, है ना। तो क्या है कि जब उन्होंने कृष्ण भावनामृत को अपनाया तब जाके उनको ये रियलाइज हुआ कि हमको इस संसार में सुख नहीं मिल सकता है, किसमें सुख मिल सकता है, जब हम कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में उतार लेंगे, क्योंकि इतने महान वैष्णवों का रियलाइजेशन है ये कि केवल कृष्ण भावनामृत में जब हम जुटेंगे या भगवान की सेवा करेंगे तभी जाके हमको क्या मिल सकता है, सुख मिल सकता है। एक अवंती ब्राह्मण नाम के अवंती अवंती देश में अवंती ब्राह्मण थे, तो उनके पास में भी सारी चीजें थी, थोड़े कंजूस थे, तो बहुत ज्यादा ही कंजूस थे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंजूस थे, मतलब किसी से काम भी करा लिए तो पैसा भी नहीं दिया करते थे उसका ऐसे इतने थे, तो सब गाली वगैरह गाली गलौज किया करते थे। बाद में जाके कुछ उनके साथ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, सारी प्रॉपर्टी को ले लिया गया, है ना, तो फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अब इसके पास में तो कुछ है ही नहीं, इसके साथ में रहने से क्या फायदा, है ना, क्योंकि तो इस संसार में सारे रिश्ते तो ऐसे ही हैं जब तक उनको दिख रहा है कि हमारे पास में कुछ है तो हमारे साथ में रहेंगे, है ना, जैसे दिखता है कि हमारे पास में कुछ नहीं है तो दूर चले जाएंगे, तो फैमिली मेंबर्स ने भी छोड़ दिया। तब जाके अवंती ब्राह्मण को क्या रियलाइज हुआ, इस संसार में भगवान के अलावा उनके साथ में कोई भी नहीं है। फिर वो जो अवंती ब्राह्मण को ऐसा लग रहा था कि संसार में सुख है, तो क्या कर दिए, भगवान को सरेंडर कर दिए और भगवान की भक्ति में पूरा लीन हो गए, और इतना लीन हो गए कि लोग जो है उनको इतना परेशान किया करते थे कि पत्थर फेंका करते थे, कुछ खाने के लिए अगर वो जाया करते थे तो उसके ऊपर यूरिन स्टूल पास कर दिया करते थे, पर लेकिन तब भी वो उस चीज से डिस्टर्ब नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में इतना रम गए थे कि ये सारी चीजें उनको दिक्कत नहीं करती थी या उनको विचलित नहीं करती थी। तो ये है, इसमें अभी समय हो गया है, तो इस बार लास्ट वाले श्लोक में और इस वाले श्लोक में प्रभुपाद जी जो है बताना चाह रहे हैं, या भगवान जो है अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। जैसे शरीर जो है हमने कोई आज एक ड्रेस पहना है उसको चेंज करके दूसरा ड्रेस पहनेंगे, ऐसे ही इस शरीर को गिव अप करके हम दूसरा बॉडी लेंगे, इसलिए हे अर्जुन तुमको ये सारी चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, युद्ध करना चाहिए। हरे कृष्ण। अभी किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न या डाउट हो। जीवात्मा जो है
वो जब शरीर पुराना हो जाता है, सांस लायक नहीं होता है, तब शरीर दिमाग से शरीर को छोड़ देते हैं और शरीर बुढ़ा जाते हैं। तो ऐसे लेकिन आज अगर देखा जा रहा है कि नवजात बच्चे भी मर रहे हैं, तो उनके बॉडी में ही जन्म जन्म लिया है, उनकी भी मौत से फिर बच्चे। जी आप आंसर मतलब हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जैसा भगवद गीता में बार बार में आ रहा है कि ये जो शरीर है जो पुराना हो जाएगा, मतलब वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, है ना, तब जाके क्या है कि जो आत्मा है इस शरीर को छोड़ के नए शरीर में जाती है। तो लेकिन आजकल हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ लोग तो क्या है कि जब यूथ रहता है उसी में उसी समय ही बॉडी लीव कर देते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? तो जनरली तो यही होता है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो उस समय जीवात्मा जो है इस शरीर को छोड़ के दूसरे में जाती है। पर लेकिन शास्त्र ये भी बताते हैं, क्योंकि तो जो फर्स्ट जैसे स्टूडेंट को जब हम प्रीच करते हैं यूथ वगैरह में, तो उनको भी ये डाउट होता है कि प्रभु जी ये वाला सेम डाउट, तो शास्त्रों में ये बताया गया कि ओल्ड एज को समझना पड़ेगा। मतलब शास्त्र में ओल्ड एज के बारे में ये बताया गया है कि मृत्यु से जो पहला वाला जो समय होता है वो ओल्ड एज होता है। जैसे अगर किसी का 80 का उम्र है, मतलब 80 साल जीने जीने वाला है वो, तो 80 साल पे वो मरेगा। तो अभी हमारे हिसाब से हमको ये ओल्ड एज दिखता है ना, कि अब 80 साल का ये हो गया तो इसका ओल्ड एज आ गया। पर लेकिन क्या है कि जो 40 साल पे जो मरा है व्यक्ति, तो वो भी क्या है कि शास्त्रों के अनुसार वो भी एक उसकी ओल्ड एज है। मतलब ये बताया जाता है कि उसका जो जीवन है जब चालू हुआ तो उसका जो पीरियड है जो मिला है उसको, है ना, तो वो डिसाइड करता है, ना कि जो हमारे हिसाब से जो टाइम स्पेन है 80 80 एज का, वो उसका ओल्ड एज माना जाएगा। अभी उसका केवल टाइम स्पेन अगर वो 40 का है तो वो 40 का क्या बन गया उसका, तो ओल्ड एज बन गया, है ना। तो अभी ऐसे ही बताया जाता है कि अभी जैसे हम जीवन जी रहे हैं और हमारा मृत्यु अगर मान लीजिए 50 पे होने वाला है, अभी मेरा 30 है तो 20 बचा केवल। मतलब क्या है कि जब मेरा 49 आएगा तो 49 पे मैं वृद्ध, मतलब 45 पे जब आ जाएगा तो ओल्ड हो गया हूँ अभी भले वो ऐसा दिखेगा कि अभी जवान हूँ, तो उतना ही पीरियड बचा है। तो ऐसे करके मतलब बताते हैं हम, ऐसे सुपीरियर्स हमको बताए हैं कि ओल्ड एज का, ओल्ड एज के बारे में। और तो फिर क्या है कि कर्म का भी एक वो रहता है कि कैसे कर्म के बेसिस पे भी जीवात्मा ने कुछ पुराने जन्म में कुछ किया हुआ होगा, तो अगर उसका मृत्यु जो है थोड़ा जल्दी अगर लिखा होगा तो वो पहले ही उसका हो जाएगा, फिर उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। तो ओल्ड एज के बारे में स्पेशली ये बताया गया शास्त्रों में। ध्रुव जी आप ऐड करें। यस ध्रुव जी, जैसे युद्ध में ये बोला गया कि भाई बूढ़े लोग को मार कर सकता है कि उसका भला हो रहा है, ऐसे इसका ही मृत्यु भी लोग कह सकते हैं, मैं मार दे रहा हूँ लोग तक उधार सजा रहे हैं, ज्यादा को मार रहे हैं, ऐसे कुछ बुरा है मार दे दिया जाए उसका उधार हो जाएगा, मृत्यु भी जाएगा, इसको कैसे प्रिटेंड किया जाए कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है कि जैसा लेक्चर के बीच में भी हम बताए थे, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमको ये देखना पड़ेगा बोल कौन रहा है। ये स्टेटमेंट अगर भगवान हमको बोल दें तो फिर बिना सोचे समझे जाओ जाओ ना, किसने मना किया है? अभी भगवान अगर राधा माधव जी ऑल्टर में से बोल दें भाई तुम जाओ, ये थोड़े बूढ़े बड़े ज्यादा हो रहे हैं संसार में तलवार ले लो उड़ा दो सबको तो फिर सोच रहे क्या उसमें? भगवान का इंडिकेशन हो गया, जाके मार दो, है ना। पर लेकिन अभी गीता में पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या बताया गया है ना। तो अभी क्या कि गीता में ऐसा बताया नहीं गया ना कि ओल्ड एज में कोई आ गया तो मार दो। उसमें भगवान ने अर्जुन को उसमें जो परिस्थिति थी, है ना, एक जो पार्टी है वो अधर्म की साइड में चली गई, एक धर्म के साइड में है, तो भगवान जो है अधर्म को हटाना चाहते हैं, है ना। तो अभी उस समय अधर्म को हटाना चाहते हैं, अब जो लोग अधर्म की साइड में चले गए तो अब क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि फिलोसफी तो हमारी राइट होती है पर लेकिन रॉन्ग एप्लीकेशन कर देते हैं हम उसका मतलब अभी पूरा डिटेल में नहीं जा रहे, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि राइट फिलोसफी, मतलब फिलोसफी राइट होती है पर एप्लीकेशन में क्या कर देते हैं उसको, तो रॉन्गली उसको अप्लाई कर देते हैं हम, ऐसा भी हो जाता है। तो अभी मान लीजिए कोई इतना ही पढ़ लिया, अरे बाप रे बाप, है ना, बूढ़े बड़ों को तो उड़ाया जा सकता है, गीता में ही बताओ है भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, है ना, कि उड़ा दीजिए, है ना, मार दीजिए। तो कोई भी आया उड़ा दिया कहेगा मैं तो गीता को फॉलो कर रहा हूँ, तो गीता को नहीं फॉलो कर रहा है वो, उस समय की परिस्थिति थी। अर्जुन को बताया गया कि अभी जो है ये अधर्म के साइड में, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, किल करना चाहिए।
है ना, नहीं तो अदरवाइज कहाँ बताया गया। शास्त्रों में तो ये भी बताया गया कि कैसे जब फायर सेक्रीफाइस होता है तो जो बूढ़ी काऊ होती है ना, उसको सेक्रीफाइस किया जाता है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब जो काऊ वगैरह जो ओल्ड एज में आ गई सबको मार दिया जाए, है ना, वो तो स्लॉटर हाउस ऐसे तो और भी बढ़ जाएंगे। तो लेकिन उस समय ये भी समझना होगा कि फायर जो सेक्रीफाइस पहले किया जाता था, है ना, उस समय पे जो ब्राह्मण हैं जो कर रहे हैं वो इतने प्योर हुआ करते थे, सारे मंत्रों का इतना अच्छे से उच्चारण किया करते थे, ठीक है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी हुआ करती थी कि वो जो ओल्ड काओ है जब वो बॉडी लीव करेगी तो उसको नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन मिलने वाला है। तो ये गारंटी आज कोई ले ले तो कर ले यज्ञ कर दो पर, लेकिन आजकल क्या पान तमाकू सब खा के तो लोग यज्ञ करते हैं ना, कुछ उनको मंत्र उच्चारण करने आते नहीं है तो कौन इसकी गारंटी लेगा। तो इसलिए अभी हमको नहीं करना चाहिए वो सब। ऐसा है तो समझना पड़ेगा किस परिस्थिति में उस सारी चीजों को अलाउ किया जा रहा है, उसके अनुसार अप्लाई करना चाहिए। हरे कृष्ण रोजी आई फोन ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जी की जय।